मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक ओम प्रकाश सखलेचा कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। 19 जून को राज्यसभा चुनावों के बाद उनके कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला। अब इसके बाद हड़कंप मच गया। अब बीजेपी ने अपने सभी विधायकों से खुद से कोरोना टेस्ट कराने को कहा है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी को पहले से विधायक के कोरोना टेस्ट के बारे में पता था, लेकिन उसने बात छुपाई। बीजेपी विधायक की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव। वहीं विधायक सखलेचा ने इंडिया टुडे को बताया कि 19 जून को उनकी पत्नी को बुखार था। अब इसके बाद उनकी पत्नी और उन्होंने भोपाल की एक प्राइवेट लैब में टेस्ट करवाया। इसकी रिपोर्ट रात 10:30 बजे आई। उनका कहना है कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के बाद टेस्ट कराया था। बीजेपी मीडिया विभाग के मुखिया लोकेंद्र पराशर ने कहा कि संक्रमित विधायक के संपर्क में आने वाले सभी विधायकों से टेस्ट कराने को कहा गया। 5 विधायक टेस्ट करा चुके हैं। अगर किसी को भी बीमारी को लेकर शक है तो उन्हें टेस्ट करा लेना चाहिए। जानकारी के अनुसार जिन 5 बीजेपी विधायकों ने टेस्ट कराया उन सब की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कांग्रेस विधायक ने लगाया टेस्ट की बात छुपाने का आरोप। इधर छिंदवाड़ा से कांग्रेस विधायक सुनील उइके ने इस मामले में जांच की मांग की है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को इस बारे में पत्र लिखा है। उन्होंने अखबारों में छपी खबरों के हवाले से आरोप लगाया है कि बीजेपी विधायक की टेस्ट रिपोर्ट राज्यसभा चुनाव के नतीजे के कुछ घंटे बाद आ गई है। आमतौर पर रिपोर्ट एक दिन बाद आती है। इससे पता चलता है कि उनका टेस्ट एक दिन पहले हुआ था और विधायक ने ये बात छुपाई। उइके का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव विधायक के संपर्क में आए सभी लोगों का अनिवार्य टेस्ट हो, साथ ही सभी को क्वारंटीन में भेजा जाए। कोरोना पॉजिटिव कांग्रेस विधायक ने पीपीई किट पहनकर दिया था वोट। बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी वोट डालने गए थे। वो पीपीई किट पहनकर मतदान करने विधानसभा पहुंचे थे और इसके बाद पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया था। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव हुए। अब इनमें बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जीते हैं। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।